हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। न्यूज रूम लाइव के इस प्रोग्राम में हम हमारे एक्सपर्ट हमारे विशेषज्ञों से देश विदेश के उन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर वो अपनी राय रखना चाहते हैं। देश और विदेश में आजकल लगातार कई मुद्दे सुर्खियों में बन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी बीच दिल्ली सरकार ने पहल शुरू की थी कारों को, चार पहिया वाहन को उन्होंने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए एक स्कीम लागू कर दी है, शुरू कर दी है। टाटा कंपनी ने इलेक्ट्रिक कारों को बनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच हीरो कंपनी ने भी अपने इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि दोपहिया वाहन देश में उतारने की तैयारी मजबूती के साथ कर ली है। इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे हमारे एक्सपर्ट सलमान से कि सलमान इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी रहीम, जैसा कि अभी आपने कहा, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। अधिकतर लोगों ने अपनी व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चेंज कर दिए हैं या वो पुराने वाले व्हीकल बेच कर नए व्हीकल्स ले लिए। पहले इलेक्ट्रिक के अंदर फोर व्हीलर ही आती थी, चार पहिया वाहन, अब टू व्हीलर भी आने लग गई, सुपर बाइक्स भी इलेक्ट्रॉनिक में आने लग गई। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन में भी काफ़ी अच्छा दम है। और रही बात एवरेज की, तो पेट्रोल में कितना खर्चा होता है वो आपको ही पता है, अपनी बाइक्स बिल्कुल भी एवरेज नहीं रहती है। अब इसके अंदर रही बात इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की, तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में वैसे ही चार पांच कंपनियां पहले ही आ चुकी है हमारे भारत में, जैसे कि ओला है और टाटा है, बजाज है, टीवीएस है। अब इस सेगमेंट में हमारे एक भारतीय एक कंपनी और हीरो भी आ चुकी है। हीरो ने अपना अभी इस मार्च के इसी महीने में अपना एक व्हीकल लॉन्च करने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक है। अब उसका एवरेज कैसा रहता है, अदर कंपनी के मुकाबले कैसा रहता है अभी, हालांकि भारत के अंदर और बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो उनका एवरेज अच्छा है, बट अब सवाल ये है कि हीरो ने अगर निकाली है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकालता है। हीरो की बाइक से है और स्कूटर भी है, काफ़ी अच्छा एवरेज देती है। तो अब देखना ये होगा कि इस सेगमेंट में भी हीरो सक्सेसफुल होता है या नहीं। ई रिक्शा का प्रचलन भारत में आया और ई रिक्शा बहुत अच्छे तरीके से कामयाब रहा, हिंदुस्तान के हर शहर में हम ई रिक्शा देख सकते हैं, लेकिन क्या इसी तरीके से लोग भरोसा कर पाएंगे दोपहिया वाहन पर भी जो इलेक्ट्रिक में आने वाले हैं? अभी देखिए, बात रही इलेक्ट्रॉनिक वाहन की, तो बहुत से रिव्यू नेगेटिव भी है, बहुत से रिव्यू प्लस भी है। नेगेटिव में ऐसे है कि बहुत सारे कस्टमर्स ने कहा है कि जैसे हम गाड़ी की स्पीड 50 से ऊपर या 50-55 से ऊपर अगर गाड़ी को भगाते हैं तो हम हमारे डेस्टिनेशन से पहले ही हमारी बैटरी चार्ज होती है गाड़ी की। बिल्कुल, तो अब ये भी एक नेगेटिव रिव्यू है, तो अब देखते हैं सक्सेसफुल होता है या नहीं। ये वाकई देखने वाली बात रहेगी, दिलचस्प बात रहेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च तो जरूर कर दिया गया है, क्या लेकिन कस्टमर उनसे संतुष्ट हो पाएंगे? अगले मुद्दे पर हम बात करेंगे। नेता हो चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, अपने से छोटों के साथ अच्छा सुलूक या अच्छा बर्ताव करते हुए आजकल नहीं देखा जाता। आमतौर पर ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती है। कुछ ऐसी ही घटना राजस्थान के किसी जगह पर हुई है, विस्तार से हम जानेंगे ऋतु से। जो बेंगू के विधायक है राजेंद्र विदुड़ी, उनका है, उनका और एक SHO है संजय गुर्जर, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर जो विधायक है वो SHO को धमका रहे हैं, मतलब उनको चिल्ला रहे हैं कि तू सरकार के लिए काम करेगा या मेरे लिए काम करेगा। तो ऐसे करके उस बीच में उन्होंने सात से आठ मिनट का ये ऑडियो है और उसके अंदर उन्होंने कम से कम काफी बार गालियां बकी है, मतलब 103 बार उन्होंने इस तरह का गाली वगैरह का यूज करा है। और कहा जा रहा है कि अब वो खुद की स्वेच्छा के अनुसार स्थानांतरण करवाना चाहते थे, तो इसलिए जो था SHO था वो शायद मान नहीं रहा होगा या उसने उनकी बात को इग्नोर करा होगा, तो इस वजह से उन्होंने ऊंची टोन में उनसे बात करी। लेकिन जो विधायक है उनका कहना है कि ये मेरा नहीं है ऑडियो, इसको एडिट किया गया है, उनका ये चीज भी कहना है उनका। मामला चाहे व्यक्तिगत हो या किसी भी रूप से उस मामले को देखा जाए, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल करना कितना कुछ उचित है इसमें, मतलब ये कि ये चीज गलत है। अगर चाहे वो जो SHO है वो भी तो सरकार के लिए ही काम कर रहा है एक तरह से, वो आपके लिए थोड़ी ना कर रहा है। हाँ, वो आपकी बात सुन सकता है लेकिन कुछ गलत काम तो नहीं कर सकता ना, तो ये चीज है। तो इसी वजह से जब उन्होंने उसको डांटा SHO को, मतलब SHO ने, मतलब विधायक ने उसको जब सुनाया तो SHO ने साफ ये कहा कि ठीक है मेरे को निकाल दो, मुझे काम नहीं करना। तो उसने ये चीज भी कही और ये जो ऑडियो के अंदर है इसके अंदर ये सुनाया भी गया है। और उसके बाद आज विधानसभा जब हुई तो उसके अंदर भी ये मुद्दा उठाया और सतीश पुनिया ने भी बोला कि ये सब क्या है, ये
कांग्रेस किस तरह की ये चीजें चल रही है, ये सही नहीं, उन्होंने भी ये चीज बोली। और राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया कि ये गलत चीज है। तो शांति धारीवाल ने बोला है कि इस ऑडियो को चेक किया जाएगा कि ये सही है या गलत है, क्या है इसके अंदर। तो बाद में इस चीज का विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना, किसी के सम्मान को नीचा दिखाना किसी भी हद तक जायज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे आपका आपके साथ काम करने वाले, चाहे आपके पद में आपसे छोटे हो, लेकिन सम्मान सबका करते रहना चाहिए। भारतीय रेलवे की बात करना चाहूंगा। भारतीय रेलवे में आए दिन दर्दनाक हादसे होते हैं, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, हम अपनों को खो देते हैं। भारतीय रेलवे ने आज एक ऐसा परीक्षण किया है जो वाकई इतिहास के अमर पन्नों में लिखा जाएगा। आखिर वो आविष्कार क्या था, विस्तार से हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट कासिम से। कासिम की क्या राय है, कासिम इस एक्सपेरिमेंट को किस नजरिए से देखते हैं। कासिम क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आज के दौर में बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्योंकि हिंदुस्तान को भी बदलना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि पिछले कई सालों से जो है रेलवे के इस जो टेक्नोलॉजी जो कंपनी कालिश कंपनी है इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो आज जो है उसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर जो है दो ट्रेनों की जो है स्पीड आमने सामने जो है करवाई गई, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जिसको एक रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे कंट्रोल करती है। इस तरीके से जो है उसकी स्पीड जो है 380 की स्पीड हो या जितनी भी वो उसको क्या है वो कंट्रोल कर लेती है और बड़े हादसात को जो है आसानी के साथ रोक सकती है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से इसकी कोशिश जारी थी। आज रेलवे मंत्री ने और जो रेलवे चेयरमैन था उन लोगों ने जो है मिलकर ये सब जो है आज इसका एक्सपेरिमेंट किया और काफ़ी जो है ये कामयाब रहा। इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया सुरक्षा कवच। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं एयरबैग वाली फीलिंग हमारे सामने आ जाती है कि जिस तरह से गाड़ियों में एयरबैग लगे होते हैं शायद कुछ वैसा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे एक्सपर्ट कासिम ने हमें बताया कि ये सेंसर है, एक्चुअल में ऐसे सेंसर ट्रेन के अंदर लगाए गए हैं जिनसे आमने सामने से आने वाली जो ट्रेन है वो आपस में टकराएगी नहीं, बल्कि उनकी गति कम हो जाएगी, वो रुक जाएगी। वाकई में एक बहुत दिलचस्प और एक बहुत अच्छा आविष्कार है। देश में घटनाएं घटित ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। एक बम धमाका हुआ है फिलहाल ही में, हमारा चैनल इसकी कड़ी निंदा करता है, लेकिन जब घटना घटित हो चुकी है तो इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। क्या कुछ बताएंगे जावेद आप? जी बिल्कुल, मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि जो बिहार के भागलपुर के अंदर रात को 11:30 बजे गुरुवार को लोगों को शायद ये फील हुआ होगा कि रूस ने यहाँ भी बम गिरा दिया। जब एकदम से कोई चीज होती है ना तो दिमाग में वही आता है कि खबरें रूस और यूक्रेन चल, जो आसपास चल रहा होता है वैसे ही वैसे लगता है। लेकिन आज जो ये धमाका हुआ है इसमें 14 लोगों की मौत हो गई है, और ये धमाका हुआ है इसके पीछे बहुत बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि अवैध तरीके से बम बनाए जा रहे थे, पटाखे बनाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि कुछ 3-4 लोग हैं जो कि अवैध तरीके से बम बनाते हैं, या वो दिवाली को फेस्टिवल को, अभी जांच चल रही है वो सामने आएगा कि वो किस तरीके के बम बना रहे थे। लेकिन उसमें आज 14 लोगों की मौत हो गई है, कई घर तबाह हो गए हैं लोगों के, काफ़ी जो है 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर लोगों के घरों के शीशे टूट गए हैं, और ये बहुत बड़ा बात है कि 13 से 14 लोगों की मौत हुई है, और अभी मलबे से शवों को निकाला जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन आज ये धमाका हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में ऐसे अवैध काम चलते रहते हैं। पहले तो प्रशासन उनको नज़रअंदाज करता है, जो लोगों में जागरूकता नहीं वो भी नज़रअंदाज करती है। जब ऐसे धमाके या ऐसी हरकतें हो जाती है तो फिर कहा जाता है कि FSL टीम से जांच कराई जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये तो भागलपुर का बम धमाका है। आज आप देखते हो होटलों पे आप खाना बनता है, होटलों में खाने के लिए जो होता है सरकार ने एक जो है सिलेंडर बताया गया कि आप शायद ब्लू कलर का सिलेंडर यूज किया जाता है, लेकिन आप देखोगे तो वहां पर भी आपको जो घरेलू सिलेंडर घरेलू सिलेंडर का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। और दूसरी अगर आप देखते हो जैसे जो CNG वाहन है, CNG वाहनों के अंदर जो मालिक खुद होता है वो घर पे ही कॉलोनी के अंदर ही गैस उसमें भरता है, जो कि आसपास के इलाके लोगों के लिए खतरा है, और लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे, लोग सिर्फ उसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब बड़ी घटना होगी तो ऐसा ही रूप उस घटना का होगा। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे औद्योगिक कारखाने जो है रिहायशी इलाकों में खुल चुके हैं जहां बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है केमिकल का काम होता है, और कहीं ना कहीं ये जानलेवा साबित हो सकता है।
ये आज की घटना कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए है। जिस तरीकार से अगर लोग अगर पहले इस पे अगर एक्शन ले लेते या जो प्रशासन था वहां का खेत थाना अध्यक्ष थाना अधिकारी को जो है सस्पेंड कर दिया गया है इसके बाद में, लेकिन अगर थाना अधिकारी या जो लोकल प्रशासन था और जो नागरिक थे अगर उनको लग रहा था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, बम बनाए जा रहे हैं, अगर पहले ही उसका अगर समाधान कर दिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज 14 लोगों की मौत हो गई है, काफी गर्तव्य हो गई, लोगों की जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई है। तो अब ये तो सरकार से उम्मीद है कि वो देगी, कब देगी और कब तक उनका आश्वासन पूरा होगा, लेकिन एक बार तो सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा लगा कि जो 5 किलोमीटर का एरिया है कि रूस ने वहां भी बम गिरा दिए, क्योंकि लोगों के लिए ये बहुत दुख भरे दिन है। हमारा चैनल जो है लोगों से उनकी जो है हम तो यही कर सकते हैं कि हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं और उनका जो भी हो जान का नुकसान तो कोई नहीं बढ़ सकता, लेकिन माल का नुकसान, सरकार से अपील करते हैं कि जरूर उनकी मदद करें और जो लोग इसमें गुनहगार या दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। ये जो कड़ी है ये छोटी कड़ी नहीं है, ये लंबी कड़ी है। ये 3 लोग बम बना रहे, कहीं ना कहीं इनकी और भी टीमें होगी जो इस तरह के काम करती है, और कॉलोनी और रिहायशी इलाकों में जो ये सिलेंडर बनने के काम चलते हैं इस पर भी सरकार रोक लगाए। हमारे चैनल की सरकार से अपील है और जिस तरीके से अवैध जो बम बनाने काम है इस पर भी रोक लगाई जाए ताकि ऐसी घटनाएं ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा हमारे देश में ना हो। जावेद, इतनी बड़ी घटना हुई, देश में और भी कई इल्लीगल ऐसी घटनाएं चल रही है, ऐसे काम चल रहे हैं जो संवैधानिक रूप से कहीं ना कहीं जायज नहीं है, लेकिन देश में हो रहे हैं। प्रशासन की जानकारी में भी कहीं ना कहीं इस तरह के वाकयात इस तरह की घटनाएं होती होंगी, लेकिन इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा, क्यों सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा? जी बिल्कुल, जिस तरह मैं ये कहना चाहूंगा जब ऐसी घटनाएं ऐसे काम चलते हैं तो उस पर अंकुश कहीं ना कहीं इसलिए भी नहीं लगाया जाता है क्योंकि जिन लोगों के हाथ में अंकुश लगाने की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं लोभी है, लालची है। वो अपने थोड़े से लालच के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं, किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं। आप अगर अपने आसपास भी देखें तो आपके आसपास कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण भी किया जा रहा है फैक्ट्रिकल कारखानों के द्वारा, वो भी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहीं ना वो स्लो पॉइजन है, वो आपको धीरे धीरे मार रहा है। जिस प्रकार से अगर आपके घर आसपास में कोई कबाड़ी है या कचरे वाला है, अगर वो तार जला रहा है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए दमा कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करता है, लेकिन आम जनता को पता ही नहीं। जब उनके साथ ये चीजें हो जाती है तो उनको प्रॉब्लम आती है। आज 5G टावर चल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं कहां तक ठीक है, क्योंकि अगर आप आसपास में देखें तो आपके आसपास में जो एनवायरनमेंट था, नेचर था, वो खत्म हो गया है। कहीं आपको आसपास में कुछ ऐसे पक्षी नहीं मिलेंगे, मधुमक्खियां खत्म हो गई है, कहीं ना कहीं इस रेडिएशन का ही फर्क है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जरूर देखने को मिले थे वो सारे पक्षी। जी बिल्कुल, मैं ये लॉकडाउन के दिनों में जब लोग घरों में थे, प्रदूषण खत्म हो गया था, काम जो ये प्रदूषण वाली एक्टिविटीज खत्म हो गई थी, तो नेचर वापस पनपने लगा था, नेचर एक साफ सफाई वातावरण अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब धीरे धीरे वो वापस उसी मोड पे आ गया, क्योंकि रिकवर होने पर टाइम लगता है और बर्बाद होने में सिर्फ 1 दिन लगता है, जो कि भागलपुर में हुआ। बिल्कुल सही। आज के इस न्यूज रूम ने हमने 4 अलग अलग एक्सपर्ट से उनकी राय ली, अलग अलग मुद्दे थे, सब पर हमने विचार किया। पहला मुद्दा सलमान का बहुत ही अच्छा था कि अगर आप बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा भी काफी अहम था, सम्मान सबका करना चाहिए, किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, चाहे आपसे वो छोटा हो या बड़ा हो। देश में बहुत अच्छा आविष्कार हुआ, रेलवे का जो परीक्षण हुआ कामयाब रहा, सफल रहा। इसी तरह असंवैधानिक और जो इल्लीगल काम इस देश में बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को समझदार बनना चाहिए, चाहे प्रशासन आप पर कार्रवाई करे या ना करे। आज के न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना है, आप देखते रहिए।